भाई मु कोन एते पापिनी एते असुंदरी एते कदर्ज ए 10 दिन भितरे आपण को आखी मते टिके देखिबा को चाहिलानी नहीं भूमा आपण को मन होलानी बहु सहित पदे कथा हबा को मते टिके आशीर्वाद करिबा को नहीं सेमिति किछ कथा नै माने मिछ कहि मते बुझेबा को चेष्टा करंतुनी भाई मु ठीक सणी छी काहे कि आपण मते घृणा करूचंती काहे कि मो कलंकित अतीतटा पई गोटे नष्ट झीर नष्ट गद्य पई अष्ट गद्य हाँ एसपी अविनाश राय एकमात्र अली अली झी वर्षा मु हेले अतीतरे सब व्यवधान को भूले मते नहीं कॉलेज रे छाड़ुथिबा जने साधारण ड्राइवर आम बगीचा रे माळी काम करूथिबा गोटे मामूली माळी को भलो पाई बसिली हाँ भाई कथा रे अछि मन रे बहुत दुख को निजर दरदी बंधु किंबा भगवान को निकट प्रकाश कर देले मनटा टिकी हालुका हे जाए ए 10 दिन रो बहुत ही मु जानी पारु छी ए घर जड़ ठारु आरंभ कर चेतना पर्यंत पशु ठारु आरंभ कर मनुष्य पर्यंत सबुठी आपण को दान सबुठी आपण को कुहु को हाथर स्पर्श दान बीर हरिश्चंद्र साजी आपण समस्त को किछ ना किछ देई चंती ए घरे मु तो गोटे नुआ कुणिया मो मुहसा किछ देबे दी एमरी चुपचाप किछ कहिबे नी आपण को मोरण भाई तति भल पाई जिथि आकाश रे तारा नथी बसिथि तति भल पाई जिथि सागरी लहरी नथी बसिथि आउ किछि कहिबनी आवश्यक नहीं मागु थिलो परा किछु नबनी कोन दबो कोन अछि तो पकरे तमे त निस्व कांगल कबत हि न अभिशप्त करन ओहि जाओ वर्षा तुम मन शांति हेबा चाहे चाह पर तो कहि जाओ मते ओ मु कहिबी तमे सुनिबा को बाध्य जहाँ पाई तुम निश्व साजिल तुम से भाई जनक जी मो स्वामी बैंगलोर पढ़ा को जीवा पूर्व तुम परिचय मो आगे कौन दे जानी तुम्हें एक घर कार ड्राइवर मो देह सुरखनी अफिस आरोप पोल हक कर कि भूल कहनी से छड़ा गोटे ड्राइवर द्वितीय परिचय कौन हम गोटे ड्राइवर ना ओ से भाई आज को 10 दिन है लुचु लुचि बोलु तुम भाभी छो तुमको चिन्ह पारे ठीक चिन्ह ठीक अच्छे जदि तुम चिन्ह पारिच तमें सत्यता को ग्रहण करवा अतीत कथा को भूली जावा वास्तवता को नहीं बंचवा आ वास्तवता हूँ तमे मो भाई बो आ मु तम तेड़ोशी यही संपर्क हूँ आम दी जन बस बस मत बुझे दरकार नहीं तुम रामचंद्र नुह कि मोहल्या नुह तुम मुक्ति दे पारे बने के मो मुक्ति चाहे ना मन रख मो पाषाणी ओहल्या नुह जे तुम पाद धूल को चातक भाई चाह रही मो घृणा कै तुम भाई रामचंद्र मान को पासानी ओहल्या पाखे तुम भाई रामचंद्र पहुंचा पूर्व तुम मनक मरी जावा उचित रही जाओ वर्षा मुह चाह किसी नबनी तुम मुह चाह मोर दरकार नहीं अरे तुम सीना दरकार नहीं मु तो परंपरा टाक भांगी दे पारे मान तमें कह ना मो भली रामचंद्र माने मरी जावा उचित अरे तुम्हें तो मत छुई कि मारी पारिबनी कहीं संपर्क मु तुम देढ़सुर भाई बो ये देढ़सुर को छुईले तुमको पाप लगे गोटे कम करा
ଏଇ ମାଟି ମାର କୋଳରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଲେଖି ଦେଉଛି। ସେଠି ତମେ ଘୃଣାର ଛେପ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଇଟା ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଆଉ ମାରିଦିଅ ଏ ବାଦଲଟାକୁ, ମାରିଦିଅ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟା, ମରିଯାଉ, ମାରିଦିଅ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। जेते दिन प्रेम बंधन थी बसते दिन बदल संपर्क बदल जत जाने जानी समस्त धक्का खाई पर्स चोरी करिबा एटा प्रथम ना आगर अभ्यास अच्छी बाबू अगल बगल बात मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना चाकू वाली नमिता नाम है मेरा। सुनो पुणि कौन है ला? देखो मो हाथ समय नहीं भलर कहूँ मो हाथ समय नहीं वर्तमान पुलिस को फोन करी पुलिस आसव ता छड़ा तुम्हें जान मो पर्सा तुमरी पाखे अच्छे आ भितर 5000 टंका सह मो ठिकना भी अच्छे तुम अवस्था कौन हम थे चिंता कर माने पुलिस आसी तुमको आरेस्ट कर आ का सका खबर कागज जो बड़ बड़ अक्षर तुम ना बाहरी पड़ो तुम अवस्था कौन हम थे चिंता कर मोर भूल बाबू आप क्षमा कर दिंतु भूलटा को पार्टी रे उच्चारण करदे ठीक ही जाए ठीक कम लगे से ठीक हुए अच्छा तुम्हें गोटे ओडिया घर झील आज ना का तुम बाहा हब हाथ में संज सलिता धरी चौरामूले तुम संज जा किंतु ता न करी सेमिति पवित्र हाथ दीटा को अपवित्र कर दबा कौन ठीक बाबू आपण केबे अंधार रास्ते रे चली चंती हमें चली दिले आपण मते केबे भी ए प्रश्न पचारी न थांते बाबू माने तुम कोन कहिबा को चाहछो ए नमिता आजि पर्यंत अंधार रास्ते रे चली आसीतिला बाबू किंतु जीवन रे प्रथम थरो से आजि सूर्य देखिछि ता रास्ता से जानि परिछि बाबू मु आपण कथा दउछि ए नमि आज तो केबे भी एमिते काम करिवनी नियंत बाबू आपण को पर्स एमिते भाव प्रवण होनी मोर से पर्स पर दरकार नहीं। हाँ काई कि नेबे ए पर्स रे तो गोटे चोरणी रे हाथ बाजी। अरे नहीं नहीं तमे सेमिति काई कि भाबुछो ठीक अछि मोर टिके आगो को जिबार अछि तमे गोटे काम करो से पर्स भितरु मते 100 टंका दियो मरिगला सापटा को मारंतुनी बाबू। अरे नहीं नहीं मु तुमको दया देखौनी परम से टंकाटा मु तुमको उपहार दउची काई कि ना तमे भलो मनिस होबा पई प्रतिश्रुति देई चारिछ दियो बाबू। अरे दियो आह हा हा
तुम नाटा नमिता ना बाबू रोज कौटि ए शहर तले बस्ती रे बाबू ठीक अछि ओ ठिकनाटा से पर्स भीतर अछि अच्छा बाबू अछि बाय बाय सब पक्का मार दे छि हां केईटा मिनट भीतर चाकू वाले नमिता डक पूरा घायला कर देला कथा तो नुए सत्य जेंते महु मनीष हब तो ठीक एमती रूप है राजकुमार रातिटा किंतु भारी भयंकर मनीष मानू मिछ स्वप्न हजई दवा तार काम ओट मरुभूमि ओट पीठ से बस आकाश रु फूल तोलवा को चेष्टा कर गोटे जाजावर परिचय पचारि जलमग्न विध्वंस द्वारिका नगरी खंडे भंगा इटा मु मो पर वर्ष वर्ष रो सिउली मारी जाई मो परिचय को नष्ट करी देई इतिहास रो नायक पुराण रो गंधर्व आ गोटे अधा कहानी रो नायक हई मोक्ष मुक्ति निर्वाण रो रास्ता खोजुची पाउनी खाली खोजुची तो मो पाखु काहे के आछो ए टंका 200 दे निशा उतरी गला ना अबे हट मदुआ को उठकर तते के लाच लागुनी मो तो पीवा पाई तू मत्ता टंका मागुछु ए जा 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 मो पाखरे टंका मंगा केछि नै ए पंगा मत लेना नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा याद रखना बिरजू नाम है मेरा चिल्ला मत अगल बगल बात मुझे अच्छा नहीं लगता ए पर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी याद रखना चाकू वाली नमिता नाम है मेरा मत बापा बोली डाकिलानी कि टंका 200 देलानी काई कि दबो आज की ठीक 20 वर्ष तले सी भी मते एंती केटा टंका मागुथिला ओटा आइसक्रीम आ चनाचूर दिटा किनिबा पई हेले से दिन मु भी ठीक ताको एंती निराश करितिलु सी आज बदला नै गला बदला नै गला छे हे ईश्वरो मु आज जाय तमकु केबे भी मानिनी हेले आज जानुछी आ मानुछी तमे अछो प्रभु तमे अछो समस्त कहंती तमे काले भारी दयावान एही मते बापा न डाकिले नाही तमे मते थरुटिए बापा बोली डाको डाको ईश्वर मते थरुटिए बापा बोली डाको हे ईश्वर तमे को किछ सुनी परु ना डाको ईश्वर मते थरुटिए बापा बोली डाको हे ईश्वर मते थरुटिए बापा बोली डाको डाको मते थरुटिए बापा बोली डाको छाती ने लुचे ली
चापारे चाया करीबा को हुए मिछा भिनाया निज साथी निजे करुछी छड़ना निज आखिलु हा निजरा हुए ना देह ठारु छाई दूरे मन को हमने मारे रोसेघर चाबीटा बते दियो मु रोसेघर देबी मु चाबी दबिनी आज समस्त रहंतो ए घर उपास आज के 2 मास हला मु कहिलेने ए घर को चाकर के चाकरंटी आनो हला केहि मु कथा सुनो छ मनुष्य घर खटिकटी मरिबो ना कोन अपा खबर कागज रे एडवर्टाइज दि हैछि ताछरा भाई तो गला बले कहि जाइ छथि संध्या सुधा जेमितले से चाकरंटी सांगर धरि फेरिबे तहाले राती के जाय रसई हबो नाय अपा तबे मना करोनी बो बुढी लोक ठीक टाइम रे रखले तांको देह खराब हेबो तमे किसी काम करियो दरकार नै सब काम मु कर देबी ओ तमन तो समस्त के देखे देबो चाहछु घर काम तो एका करूछु मो केछि करूनी अपा तमे कथा रे किंतु उल्टा कोन भाबुछ आमो घर काम आमे करबा तेरे के काम तमे करो के मो करे सेथिर कोन अछि ओ एमिति चिकोलिया कथा कहि तो समस्त के भुले दे पारु हेले मते न हो तू तो सब बले देड़ सुरंग से बारे व्यस्त से कंदि खाइबे पीबे सोइबे ताको कथा बुझु बुझु तक तो टाइम ही अंटुनी आ घर काम करबो केत बले अपा सत कथा कहि देने बळकु आखिर लुह गुडा को गणी पडुची ना से जहा भी हि जाऊ आज जे घर गडा फैसला हबो ता नले घर छाडी म आमो घर को चली जेबी हां म चली जेबी आज्ञा नमस्कार आ कोन हला एटा ज्योति राउतुंगा घर हां हेले तमे ए एडवर्टाइज नै आस्थिली हाउ दिय हेले तमे की चाकरी करबा को आसी छी मा चाकरी करबा को आसी छु पुनी ए बयस रे हां मा सत कहू छी मा मो निजर बोली केही नांती मते टिके दया करो मा अच्छा आगुर कोठी चाकरी करथिलु नेठी नुवा करी करिवू नाही मा आगुर कोठी चाकरी बाकरी करिनी एमती मूलपति लागी चलुथिली हेले आउ पारुनी मा सेति पई एठी के आसी छी चोरी चारी करी हटात कोड चली जेबुनी तो कोन कहू छ मा तम लुण खाइबि तम सह पुणी बेईमानी करिबि ता छड़ा आउ कहा पाई करिबि मा हाँ सुन एड़ी चाकरी करबा को हेले बजारु तते सौदा आनिबा को पड़िबो बगीचार केयर नबा को पड़िबो बासन कुसन सफा करबा को पड़िबो पारिबु तो सबु पारिबि मा सबु पारिबि अच्छा दरमा केते नबो मो काम देखि जहा देबे सेथिरे मु खुशी हो ठीक अछि तो ठियाय त मु बोग पठे देउ छी से तते काम बिषय सब बुझे देबे हला ठियाय दै ठीक हे भगवान असीम तुम करुणा तुम आज ए बुढ़ाटा को कूल लगे कूल लगे तुम आज किए किए तमे तमें सपन देखुना सत्ता
ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସହଦେବ ରାଉତ ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତମକୁ ଯେମିତି ପାଇଛି ବି ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଥିବ, ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମରିଗଲ, ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ତମକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି। ତମରି ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୋତେ ଆଗ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର? ଏ ଯୋଉ ବୋଉ ଏବେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ କିଏ? ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟି କରନି, ଧୀରେ କଥା କୁହ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେମ? ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ତମ ପରେ କହିବି। ଆଗେ ମୋତେ କହିଲ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ, କେମିତି ଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ ତମେ? କାହିଁକି ସେ କାଳ ବର୍ଷର କଥା ଆଉ ପଚାରୁଛ? ସେଦିନ ବିର୍ଜୁ ଦାଦା ମୋତେ ପିଟି ପିଟି ମହାନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲି। କିଛି ନୋଳିଆମାନେ ମୋତେ ନଦୀ ପଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ଆଉ ମୋ ଅତୀତ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ମୋର କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ଶେଷରେ ସେଇଠି ରହି କାମ ଖଣ୍ଡେ କରି ପେଟ ପୋଷିଲି ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକି 2 ମାସ ହବ ଆମ ବସ୍ତିର କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକକୁ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ବେହୋସ ହେଇପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଦିନର ଯେମିତି ସେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ବିର୍ଜୁ ଦାଦା ମୋତେ ପିଟି ପିଟି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ହେମ, ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବି ମୁଁ ସେଠି ରହିପାରିନି। ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ କାହାରିକି ବି ପାଇଲିନି। ଆଜିକି 2 ମାସ ହବ ଏ ସହର ସାରା ତମକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ପାଉନି। ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି, ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟା ଧରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ହେମ, ମୋତେ ଆଗେ କହିଲ, ଏ ଯେଉଁ ବୋହୂମା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଆମ ବଡ଼ ବୋହୂ ନା? ହଁ। ଆଉ ଆହ୍ୱାନଟା? ସେ ନିଗମ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ସେ ସାନଟା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ଏବେ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ, ଆମ 2 ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି। ମାନେ? ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ସାଜି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଗି ଯାଚି ଆମ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଲା, ତମ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲା। ହେଲେ ତମ ପିଲାମାନେ ତା ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଦେବତାରୁ ଅପଦେବତା ସଜେଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ଆଉ ଏ ଘରେ ଯିଏ ବଡ଼ ବୋହୂ ହେଇଛି ସିଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ କିଏ? ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ। ସେଇ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ନିଶା ବେପାରୀ ଥିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଆଜି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଜଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତମେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲ ସେମିତି ଚାଲିଯାଅ। ନାଇଁ ହେମ, ତମେ ମନା କରନି, ମୋତେ ମନା କରନି, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୁଁ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବି ତା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବସିଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଷ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ଫଳରେ ତମ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବନି ବରଂ ତମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯାଉ ଜୀବନ, ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆରେ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇ ତ ବଞ୍ଚିବି, ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ମନା କରନି ହେମ, ହେମ ତମକୁ ମୋର ଆଣ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ନା, ଅର ଭାବିଲ ନା ମୋତେ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ରୁହ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇ ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ ହେଇ ନୁହଁ, ବରଂ ଚାକର ହେଇ ଏଇଆ ତ ଭାବନି ମୋତେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କହୁନି।
केवल मो शंका सिंदूर पाई कहूँ गोटे नारीर नारीत्व आज परिस्थितिर दोछकरे पड़े तो स्वामी की से चक्कर सते अच्छा थरा मा अच्छा थरा ये जानी थी ना कि मिथी हवा।